वालेकुम सलाम। अरे तो अभी 3 दिन पहले तो तुझे पैसे भेजे ही हैं, तो कहे कहे में थे, जो जो तुझे काम बताया था वो हो गया नहीं हुआ बताओ। तो अब रोज की रोज तुझे पैसे कहाँ देंगे, पेड़ पे लग रहा है, मैं जो पेड़ झाड़ू है ना पेड़ पे लग रहे पैसे। एक आदमी कमाने वाला 70 खाने वाले बहन थे, तुमने ये एस्टेसी मार ली मेरी, लोगों बच्चों की फीस जाएगी और उसकी फीस जाएगी और खाने को चाहिए और तेल को चाहिए और चिकनी को चाहिए। जो एक महीने में 4 तरह तनख्वाह मिला है ना, एक बार मिलेगी तो एक बार मिलेगी, 3 दिन पहले तुझे भेज दिया मैंने। अब अगले महीने बात करिए, यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं है। अभी मैं यहाँ बैंक में मैनेजर के पास बैठा हूँ, बिल्कुल जो गले में से निकाल लूँगा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने बाबा के घर चले जाता यार, यहाँ नहीं है पैसे वैसा। यहाँ एक महीने में एक बार पैसा मिलेगा पूरे महीने का खर्चा, ठीक है। 5,000 ले ले, 10,000 ले ले, 15,000 ले ले, जितनी मेरी सैलरी सारी भेज दूँ, अपने खर्चे में से निकाल कर भेज दो तुम, जिससे तुम्हें किसी के सामने मांगने ना पड़े। और तुम जब भी 5 दिन 6 दिन होते नहीं नुको जी, थोड़े से पैसे भेज दियो, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, लोग आज मेहमान आ गया, आज पेप्सी आ गया और आज वो आ गई, ये कोई तुम्हारा तरीका है? दुकान पर जब तुम्हें हर महीने इकट्ठे पैसे दे दूँ तो 18 इकट्ठा सामान ले आओ। मैं दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें दी, समझ गई नहीं? मैं ऐठ नहीं रहा, मैं बिल्कुल प्यार से बता रहा, ठीक है। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, रेत में बैठ कर देख यहाँ नीचे से ही पानी निकले, और तुम तो वहाँ पंखे में सो रहे हैं आराम से, रात को भी पंखे में सो रहे हैं, समर सेविल बना रहे हैं, यहाँ तो टंकी में से भी जब नहा रहे हैं ना तो गर्म पानी पहले निकल रहा है सुथरा, रात को भरना पड़ा है ऐसा पानी को, जब सुबह को नहाना पड़ा है 12 घंटे में जाकर ठंडा हुआ है, इतना तो इतना पानी गर्म है, इतना तो गैस पर भी नहीं होता। एक आदमी कमाने वाला है, मेरे को जी गैस खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया, आज मेरे को जी वो हो गया, राशन खत्म हो गया, आज मेरे को बच्चों की फीस नहीं आई, फलाना नहीं आई, तो सिलेंडर को पैसे मैं दूँ, बच्चों की फीस के पैसे मैं दूँ, दुकान का हिसाब मैं करूँ, जो कमेटी डाल रखी उनमें पैसे मैं दूँ, ठीक है। तुझे खर्चे को भी चाहिए, मेहमान आ जाए उसको भी मैं दे दूँ। भाई हर महीने की तनख्वाह एक ही बार तो मिलेगी, तो 2 बार तनख्वाह लेना चाहिए? भाई हाँ मैंने इनसे कई दफा कह दिया एडवांस नहीं देते ये पैसे, महीना खत्म हो जाएगा 2 दिन ऊपर हो या 3 दिन ऊपर हो जब पैसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ नीम का पेड्डा नहीं है, जो मैं नीम के पेड्डे पर चढ़कर पेड्डा हिला दूंगा तो नोट झड़ जाएंगे, यह अलादीन वाला चिराग नहीं है, यहाँ आ गई नहीं दिमाग में? मेरी बात सुन, अगर ढंग ढंग में खर्चे चलाना तो चला लो, और नहीं चलाना तो मेरे पास फोन ना करियो, और ना ही मैं तनख्वाह भेजने का, ठीक है। मैं जब आऊंगा पैसे सभी इकट्ठे साथ करके लूंगा, बात खत्म। रहे मेरे बच्चों की फीस की बात, मैं अपने बच्चों के वास्ते हर महीने जितनी भी फीस जाया करेगी मास्टर का अकाउंट में ट्रांसफर करता करूंगा, बाकी अपने पास रखा करूंगा, ठीक है। ना तो मेरा सिर में दर्द कर ना अपने में कर, जैसा मैं जिससे तो सामान दे रही, दुकान पे से ले रही है, दूध का ले रही है, कुछ भी ले रही, महीने का महीने हिसाब करती रहे उसका, जैसा हमारे घर वाले की तनख्वाह होगी वैसा ही तनख्वाह तुम्हारे पैसे आते रहे, ठीक है। किसी के ज्यादा किसी के कम, हर महीने सबका हिसाब करते रहे। नो मुझे आज ही पैसे चाहिए, आज ही वो हो जाए, आज ही वो चाहिए, ठीक है। 3रे दिन तो तुम मोबाइल फोड़ो अपना, 2,500 रुपये लगे एक बार मोबाइल सही करने में। अभी 5 दिन हो पैसे भेजो, अब फिर पैसों का फोन आ दिया, महीना खत्म होगा जब तो पैसे दूंगा, खा गई ना वो, खा गए 30,000 रुपए खा गई 1 दिन में। हाँ चल ठीक है, अब बाद में करिए बात, अब फोन करने की जरूरत नहीं है, समझ गए नहीं? नहीं तो मैं जा रहा हूँ, तुम अपना साल खा रहे हो, एक महीने बाद में करिए फोन जब तनख्वाह मिलेगी, अन्य तो करिए ही मरना, ठीक है। चल ठीक है, आ रख।